कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा है। भारत ने अब ये बात दुनिया के कई देशों के सामने साबित कर दी है और दुनिया के बड़े बड़े देशों ने भी इस बात पर मुहर लगा दी है कि कश्मीर भारत का ही हिस्सा है। दरअसल भारत ने कश्मीर में G20 की बैठक का आयोजन किया और इस बैठक में महज एक दो देशों को छोड़ सभी देशों ने हिस्सा लिया। अगर अब तक आप ये नहीं समझ पाए हैं कि कश्मीर में G20 देशों का एक साथ इकट्ठा होना रणनीतिक रूप से भारत के लिए कितना अहम है, तो हम आपको बताते हैं। दुनिया के सबसे ताकतवर देशों का कश्मीर में हुई इस बैठक में हिस्सा लेना पाकिस्तान की सबसे बड़ी हार है और पाकिस्तान की इस हार को लेकर पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो और शहबाज शरीफ सरकार बेहद बखुलाई हुई है। इस बैठक से पहले पाकिस्तानी सेना और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI ने कश्मीर में कई तरह की साजिशें रचने की कोशिश की, लेकिन भारत ने पाकिस्तान की सभी साजिशों को नाकाम कर दिया। कश्मीर में G20 देशों के बैठक के बाद पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ने G20 देशों को ही कोसना शुरू कर दिया है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने कश्मीर में भारत की बर्बरता पर आंख मूंद ली है। आपको बताएं तो अगस्त 2019 में जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद ये पहला बड़ा ग्लोबल इवेंट है। इसके जरिए भारत दुनिया को दिखाना चाहता है कि अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद जम्मू कश्मीर में कितना विकास हुआ है और भारत को इसमें कामयाबी भी हासिल हो गई है। वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान ये नहीं चाहता था कि दुनिया भारत के कश्मीर में विकास और शांति की असलियत को देखे। आपको याद होगा पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर से पाकिस्तानी सेना और सरकार की बर्बरता वाले कई वीडियो और तस्वीरें सामने आती रहती हैं, जिसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि POK की जनता के साथ पाकिस्तान कैसा व्यवहार करता है और ऐसे में अब कश्मीर को लेकर पाकिस्तान पर दबाव बढ़ता जा रहा है।